ये काफी है कि वो कभी हुआ था मेरा, अब ये छोड़ो कि वो अब किसका है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, कि उनके मन में लड्डू भी घी के नहीं देसी डालडा के फूटते हैं। कहाँ गए वो कंजूस? वो रहा पीछे, उसी के मन में फूटते हैं, शुद्ध डालडा के लड्डू फूटते हैं। हाँ, इनका है, बोल मैं रही हूँ कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ। खुश मिजाजी मशहूर थी हमारी, सादगी भी कमाल की थी। हम शरारती भी इंतहा थे, अब तन्हा भी बेमिसाल है। उसने पूछा इबादत है लगाव है या मोह है, हमने भी कह दिया करोड़ों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखकर जो दिल को सुकून मिलता है वो इबादत है। तेरे सिवा इस दिल पर किसी को ना कोई ठिकाना मिलता है, ना ठोर वो लगाव है। और मोह क्या है कि लाखों झगड़ों के बाद इस आवारा दिल को सिर्फ तेरा ही तेरा ख्याल रहता है, ये मोह है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, पर लोगों को कौन समझाए कि लाखों के आ जाने से भी उसकी कमी पूरी नहीं होती। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सुनना अगर किसी की हो तो। हम दूर है एक दूसरे से पर दिलों में मोहब्बत बेसुमार है। बेशक थोड़ा मुश्किल है मिलना क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार है। तुझसे मिलने के इंतजार में मेरी ये आंखें तरस जाती है, जिस दिन तुझसे बात हो जाए वो रात सुकून से गुजर जाती है। ये दूरियां ही तो दो दिलों को पास लाती है और मुलाकातों का मजा भी ये दूरियां ही दिलाती है। हर समय एक दूसरे को वक्त देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। तेरे साथ रहने की चाहत हमें अक्सर ये सताती है, पर मुलाकातों का मजा अक्सर ये दूरियां ही तो लाती है। किसी ने कहा सुकून क्या है, किसी ने पूछा कि सुकून क्या है, कि एक पल में तेरी आवाज का सुन के दिन भर की थकान का उतर जाना। भगवान जिन रिश्तों को खून के बंधनों में बांधना भूल जाता है उन्हें ही शायद हमसे दोस्त मिलकर मिलाता है। थैंक यू।